नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं चंदन के पेड़ की। चंदन का पेड़ बहुत खूबसूरत पेड़ होता है। देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है चंदन का। ये सफ़ेद चंदन है, वाइट चंदन, सैंडल। और अभी आप इसको गमले में लगाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए कितना अच्छा है, इसमें कितने अच्छे किले फूट रहे हैं, इसमें कितने अच्छे देखिए नई पत्तियाँ आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। लोग कहते हैं कि चंदन ज़मीन में लगता है, गमले में लगता है। मैं तो गमले में लगाया है, 2 साल होने आ गया है, गमले में लगा हुआ है। करीब 2-2.5 फुट के आसपास का पेड़ है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। मैं इसमें खाद पानी बराबर देता हूँ। इसमें सरसों की खली थोड़ी सी डालता हूँ, बाकी नीम की खली, बाकी वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद, ये सब मैं वक्त वक्त पर इसमें देता रहता हूँ। तो इससे मेरे पौधे सही चलते हैं, अच्छे चलते हैं। इसमें चंदन में खास बात ये, देखिए चंदन के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी झाड़ देखिए लगा हुआ है, ये पेड़ लगी, झाड़ी लगी हुई है। इस झाड़ी को कभी उखाड़िएगा नहीं। चंदन के पेड़ के संग वो झाड़ी प्लांट वाले झाड़ी लगा के देते हैं। ये देखिए कितना ये ज़्यादा डेंस घना हो गया है, मैंने उखाड़ा नहीं और इसको काट के इसमें इसी में और लगा दिया। इसमें देखिए जड़ें होती छोटी छोटी, ये इसी में लग जाता, जम जाता है ये। तो जितना ज़्यादा होगा ये उतना चंदन के पेड़ के लिए अच्छा होगा। चंदन इसी से अपना खाना लेता है, चंदन का पेड़ जो है इसी झाड़ी से अपना खाना लेता है। और ये चंदन के पेड़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर इस तरह की झाड़ी उगाती है, वो बड़ी फैलती है। और चंदन की जो जड़ें हैं, इस पेड़ की जड़ों में अपना ये जड़ें फंसा देती हैं और उससे वो खाना लेती है। तो याद रखिएगा, इन जड़ों को, झाड़ियों को कभी काटिएगा नहीं, ये चंदन का भोजन समझिए इसको आप। और चंदन का पेड़ जंगल में भी होता है, तो वहाँ भी जंगली ककोंदा वगैरह ये सब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाता है और उसको ग्रो करने का चंदन को मौका मिल जाता है। इस तरह चंदन का पेड़ है, चंदन की देखभाल इस तरह करनी चाहिए तो आपका पेड़ गमले में अच्छा चलेगा। जैसे कि ये दोनों पेड़ हैं मेरे पास, अच्छे चल रहे हैं चंदन के।